उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में आज ईद के मौके पर जनपद में चौक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था एवं लॉकडाउन 4 का प्रभावी रूप से पालन कराने के दृष्टिगत जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सचिन पटेल, SDM सदर नगर मजिस्ट्रेट कुंवर पंकज सिंह, SP सिटी प्रबल कुमार, CO सिटी अरुण कुमार, मैं भारी पुलिस बल द्वारा जनपद के विभिन्न स्थानों का दौरा किया। वहीं कल सभी मुस्लिम धर्म गुरुओं संघ पालीवाल हॉल में पीस कमेटी की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी से ईद के दिन नवाज अपने अपने घरों में अदा करने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई, जिसका नज़ारा आज जनपद फिरोजाबाद में देखने को मिला। सभी के द्वारा ईद सकुशल अपने घरों में मनाई जा रही है। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सचिन पटेल द्वारा बताया गया कि जनपद के विभिन्न स्थानों पर ड्रोन कैमरे के माध्यम से नजर रखी जा रही है। जो भी लॉकडाउन 4 का उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध फोटोग्राफी के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी एवं जनपद के विभिन्न स्थानों, मुख्य चौराहों, अन्य जनपद से लगने वाले बॉर्डरों पर संदिग्ध व्यक्ति वाहनों की सघनता से चेकिंग कराई जा रही है। बेवजह घूमने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर वाहनों की सीज की कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। आप सभी से निवेदन है कि लॉकडाउन 4 का पालन करें, बेवजह घर से ना निकलें। कोरोना जैसी महामारी को हराने में पुलिस व प्रशासन का सहयोग करें। कोरोना को हराना है और देश को बचाना है। फिरोजाबाद से सौराज सिंह की रिपोर्ट, SKH न्यूज। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को ईद की हार्दिक मुबारकबाद देना चाहूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो कल हम लोगों ने अपील की थी, सभी लोगों ने अपने घरों से ही ईद की नमाज अदा की है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोगों से करने को कहा जा रहा है। अनावश्यक गाड़ियों का मूवमेंट ना हो उसको चेक किया जा रहा है और मार्केट वगैरह चूँकि बंद हैं तो किसी प्रकार से लोग कहीं इकट्ठा ना हो, किसी प्रकार से लोग जो है इस बीमारी को से बचने, यही सब हम लोग का प्रयास चल रहा है और हम लोग इसी कोशिश में लगे हुए हैं। पुलिस व्यवस्था किस तरह की रही आपकी? देखिए, जगह जगह पुलिस की नाकेबंदी लगी हुई है। अनावश्यक जो मोटरसाइकिलें चला रहे हैं उनको रोका जा रहा है, उनकी कार्रवाई की जा रही है और जहाँ कहीं फालतू लोग घूम रहे हैं उनकी गाड़ियाँ जब्त की जा रही है, सीज की जा रही है। उसके अलावा ड्रोन कैमरे भी हम लोगों ने जगह जगह लगा रखे हैं, जिसके माध्यम से हम लोग हवाई सर्वे भी कर रहे हैं और अगर कहीं भीड़ कोई दिखती है तो उस पर फोटो वीडियो के माध्यम से कार्रवाई भी कर रहे हैं। अपील की थी उसका पूरा असर यहाँ पे लोगों को दिखाई दे रहा है और जो हमारा ईद के मद्देनज़र लोगों ने जो नमाज पढ़ी है अपने घर पर ही पढ़ी है और लगातार हम लोग सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं, फील्ड में हैं और CCTV कैमरा के माध्यम से भी और ड्रोन के माध्यम से भी पूरे एरिया पर नज़र रखी जा रही है ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना से बचाव जो है वो कर सकें। और इसके साथ साथ मैं सभी फिरोजाबाद के वासियों को ईद की शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।